हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स ऑफ क्लास 6 एमएल अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप ऑल वीडियोज वन बाय वन देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने हैं। तो एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के साथ साथ हम इसके रूल्स को भी समझते चलेंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5 और बाई 10। अब यहाँ में नंबर्स आपको दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा 10 से हो रहा है, या तो कौन सा दोनों ही से, 5 एंड 10 दोनों से हो रहा है। तो इसका रूल्स होता है, 5 के लिए रूल होता है किसी भी नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट या 5 हो। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर देखिए आप 3725, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5। ठीक है, यानी कि वंस, है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड पढ़ते हैं हम, यानी कि वंस डिजिट में, या इसे आप यूनिट डिजिट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वंस डिजिट या यूनिट प्लेस में यदि 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? इसी के साथ यूनिट प्लेस में अगर 0 हो तो वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? वंस प्लेस में यदि 5 हो या 0 हो तो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? नाउ 10 का रूल है। 10 का रूल है किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 हो तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 क्या होगा? लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, एंड 10 के लिए रूल है किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखें लास्ट में 0 है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, एंड 5 की टेबल से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये 0 है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। अब यहाँ देखिए लास्ट में 5 है तो सिर्फ 5 से होगा, 10 से ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। तो अब तो आप समझ गए, क्लियर हो गया। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में देखिए लास्ट डिजिट यहाँ 1 में 5, देन आपका इस फोर्थ पार्ट में 5 है। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम होगा तो मैं एक ही साथ दोनों के आंसर को लिख रही हूँ, आप अलग अलग सॉल्व कर लेना। तो फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं 3725। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट जो आपका है 760035, इन दोनों का एक ही आंसर आएगा, मैं एक साथ लिख दे रही हूँ, आप अलग अलग कर लेना। तो हम लिख लेंगे क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट इज 5, सो इट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब 10 से बताना है तो 10 में आप लिख सकते हो लास्ट डिजिट इज नॉट 0, है ना, लास्ट डिजिट 0 नहीं है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। क्लियर? ये जो ऊपर मैं डॉट बनाती हूँ इसका मतलब है कि ऊपर में जो लिखा है वही चीज़ नीचे रिपीट हो रहा है। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट इज 48970, है ना, सेकेंड नंबर में आपका है 48970, सेकेंड एंड सिक्स पार्ट एक साथ मैं लिख रही हूँ दोनों का आंसर। सिक्स में आपका नंबर है 450010। देखिए दोनों के यूनिट प्लेस में क्या है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, तो एक साथ ही मैं इनका आंसर लिख दे रही हूँ। तो क्या लिख लेंगे हम, लास्ट डिजिट इज 0, सो इट इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 10। ठीक है, ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? नाउ सब पार्ट 3 इज, 3 में आपका है 5 6 8 2 3। देखिए लास्ट डिजिट 3 है, 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। ठीक है, तो ये ना तो 5 से जाएगा ना 10 से जाएगा, तो हम क्या लिख लेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड नीदर बाई 10। ठीक है, ना तो 5 से डिवाइड होगा ना 10 से, एज लास्ट डिजिट इज 3। क्लियर? अब आपका एक फिफ्थ सब पार्ट बच गया, तो फिफ्थ लिख लेते हैं 7 8 9 3 2 1 7। ठीक है,
इसका भी आंसर आपका सेम होगा जो अभी थर्ड पार्ट पे इसमें हमने लिखा है, नॉट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड नीदर बाय 10, और लास्ट में लिख लेंगे एज लास्ट डिजिट इज 7। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 4 और 8। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना है कौन सा नंबर 2, 4, 8 से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, जो 8 हमारा है तो 8 का फैक्टर क्या क्या होता है, तो देखिए 2 एंड 4 8 का फैक्टर है। तो यहाँ पे आप रूल समझिए, अगर कोई नंबर है ना 2, 4, 8 के लिए बता रही हूँ, अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स उस 8 के जो जो भी नंबर फैक्टर्स में है उस फैक्टर से वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि वो नंबर 15 से तो डिवाइड हो रहा है, 15 के साथ साथ 15 के जो जो फैक्टर होंगे जैसे 1, 3, 5, ये 15 का फैक्टर है, तो इस नंबर से भी वो नंबर डिवाइड होता है। तो ये हमारा रूल है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो जो गिवन नंबर है ना, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर के फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 4, 8, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर 8 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर 2 एंड 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर 8 से नहीं हो रहा है फिर हम 2 से चेक करेंगे, फिर 4 से करेंगे। एंड 2, 4, 8 का चेक करने का अलग अलग रूल भी है। 2 का क्या रूल है, अगर किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर हो, इवन नंबर किसे बोलते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये हमारा इवन नंबर है, यानी कि 2 का टेबल, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 का टेबल में आ रहा है डिजिट, लास्ट डिजिट, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइजन का रूल है, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से आप डिवाइड कीजिए, अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स वो गिवन नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 8 के लिए रूल है, किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट को आप 8 से डिवाइड कीजिए, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स वो 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा नंबर। क्लियर, तो इसमें चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर है, पहले हम 8 से चेक कर लेंगे। तो 8 के लिए रूल क्या हमने पहले सीखा भी, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसमें लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 0, 1, 4, ठीक है, तो क्लियर है ये तो 8 से डिवाइड हमारा होगा नहीं, तो 8 से डिवाइड नहीं हुआ। अब 4 से चेक करते हैं, तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, तो लास्ट का 2 डिजिट है 14, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 4 एंड 8 से तो डिवाइड हुआ नहीं। नाउ 2 से चेक करेंगे, तो लास्ट में देखिए लास्ट का डिजिट है 2, 2 के लिए क्या रूल है, लास्ट में इवन नंबर, 4 इवन नंबर है दैट मीन्स ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से तो हो रहा है बट 4 एंड 8 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, तो हम लिख लेंगे लास्ट डिजिट इज 4 विच इज अ इवन नंबर, सो इट इज डिविजिबल by 2 but not divisible by 4 and 8। क्लियर, 4 and 8 से क्यों डिविजिबल नहीं है, 4 के लिए रूल है लास्ट का 2 डिजिट 14, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 4 से नहीं होगा। देन 8 के लिए 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे 0, 1, 4, ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लिख लेंगे बट नॉट डिविजिबल बाय 4 and 8। नाउ सब पार्ट 2, 7, 2, 3, 8, 4, 0, ठीक है, तो सबसे पहले 8 से चेक कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट का 3 डिजिट है 840, इसे 8 से डिवाइड करके देखते हैं, तो चलिए करके देखते हैं। तो देख 8 से 840 को हम डिवाइड करेंगे, तो 8 कैंसल, नाउ 4 आ गया, अब 4 डिवाइड नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, पहले एक 0 दे देंगे यहाँ पे, देन इस 0 को नीचे ले लेंगे, अब 8, 5, 40, तो देखिए 8 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 105 टाइम्स में, दैट मीन्स कि ये पूरा ही नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8, और जब ये 8 से डिवाइडेड है तो क्लियर है कि ये अपने 8 का जो फैक्टर है 2 एंड 4 उससे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे हेंस गिवन नंबर शुड
गेट डिविजिबल, गेट डिविजिबल बाय ऑल इट्स फैक्टर्स टू एंड फोर. ठीक है, सो 723840 इज डिविजिबल बाय 2, 4 and 8. क्लियर? देखिए सब पार्ट 3 एंड सब पार्ट 6 था आपका, है ना. ये दोनों ही नंबर का सेम आंसर होगा जैसा कि हमने 2 में लिखा है, क्योंकि इनका लास्ट डिजिट देखिए सब पार्ट 3 का 088, ये 8 से डिवाइडेड है, है ना. 8 से डिविजिबल है, जब 8 से है तो क्लियर है कि ये 4 एंड 2 से भी डिविजिबल है. इसी तरह से सब पार्ट 6 में 048 3 डिजिट लास्ट का 8 से डिवाइड हो जा रहा है, दैट मीन्स कि ये 4 एंड 2 से भी डिवाइड होगा. तो इसका आंसर मैं नहीं लिख रही हूँ, आप इसे लिख लेना. तो कैसे लिखेंगे, तो लिख लेंगे लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, सो इट इज डिविजिबल बाय, सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 एंड इट्स फैक्टर्स 2 एंड 4. क्लियर? इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हम लिख लेंगे लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 एंड इट्स फैक्टर्स. क्लियर? आप चाहो तो 8 के लिए भी अलग से लिख सकते हो कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, सो इट इज गिवन नंबर डिविजिबल बाय 8. नेक्स्ट 4 के लिए अगर अलग से रूल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, इसी तरह से 2 के लिए लिख सकते हैं लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8. क्लियर? तो इसमें आप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नाउ सब पार्ट 4 को सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए लास्ट का 3 डिजिट है 604, तो 8 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो इसे हम कर लेते हैं. और लास्ट का 2 डिजिट 04, तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, दैट मीन्स ये 2 एंड 4 से डिवाइड हो रहा है. तो हम लिख लेंगे फर्स्ट 2 के लिए लिख लेते हैं लास्ट डिजिट इज अ इवन नंबर, सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है, नाउ 4 के लिए लिख लेते हैं लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, एंड लास्ट 3 डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8. आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हो इसे. ठीक है, नाउ सब पार्ट 5 इज 786235. यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट ऑड नंबर है, तो जब भी ऑड नंबर आएगा तो ऑड नंबर हमारा ना तो 2 की टेबल से डिवाइड होगा, ना 4 से डिवाइड होगा, एंड ना ही 8 से डिवाइड होगा. ठीक है, तो यही हम लिख लेंगे लास्ट डिजिट इज अ ऑड नंबर, सो 786235 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 9. अब यहाँ हमें बताना कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या कौन सा 9 से हो रहा है. ठीक है, तो 3 या 9 से चेक करने का क्या रूल है, नंबर्स को आप आपस में ऐड कीजिए. ऐड करने के बाद, है ना, इन नंबर्स में कोई डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे, जैसे 7 + 3 + 4 + 1 ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यदि वो 9 के टेबल में आता है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा. क्लियर? तो हम लिख लेते हैं, तो इसे डिजिट्स को आपस में ऐड कर लेंगे, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 + 3 + 4 + 1. इसे ऐड करेंगे तो देखिए 7 + 3 = 10 + 4 = 14 + 1 = 15, एंड 15 3 की टेबल में आता है, है ना. तो लिख लेंगे 15 इट इज डिविजिबल बाय 3.
ठीक है। सो यहाँ पे विच इज लिख लीजिए ना, विच इज 15, विच इज डिविजिबल बाई 3, सो 7341 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट 9, है ना। 9 से लेकिन डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 9 की टेबल में 15 नहीं आता है। नाउ सब पार्ट 2, सब पार्ट 2 में आपका गिवन नंबर है, उनके डिजिट्स को ऐड कर लेंगे तो 5 + 9 + 0 + 3 + 1 = तो इसे ऐड कर लेते हैं तो देखिए 9 10 15 + 3 18, तो ये हो गया 18। एंड 18 हमारे 3 के टेबल में भी आता है एंड 9 के टेबल में भी आता है, ठीक है। देयरफॉर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 9, ठीक है। क्या लिख लेंगे हम, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 9। नाउ सब पार्ट 3 के डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं तो आपके डिजिट्स हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इन सबको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपका आ जाएगा 3 6 10 = 36। अगेन ये 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा 36 एंड 9 की टेबल में भी 36 आता है, दैट मीन्स कि गिवन नंबर हमारा 3 and 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो यही लिख लेंगे, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 9। नाउ सब पार्ट 4 के डिजिट्स को ऐड कर लेंगे तो 4 का डिजिट्स आपका है 5 + 6 + 0 + 3 + 1 + 9, 5 + 6 + 0 + 3 + 1 + 9, इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24। और 24 हमारा ओनली 3 की टेबल्स में आता है, 9 में नहीं आता है, ठीक है। दैट मीन्स कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, क्लियर। नाउ सब पार्ट 5, इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो इसमें आपका डिजिट्स है 7 + 2 + 0 + 6 + 3 + 4 = अब इन सबको ऐड करते हैं तो 7 2 + 6 + 3 + 4, तो ये हो गया 22। एंड 22 ना तो 9 में आता है ना ही 3 में आता है, तो क्या लिख लेंगे, गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 or 9 इज द आंसर, ठीक है। नाउ सब पार्ट 6 इज, 6 नंबर हमारा है डिजिट्स 3 + 7 + 2 + 1 + 5 + 0 + 9, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 10 20 25 27, एंड 27 3 9 दोनों में आता है, दैट मीन्स गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 9 इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज, एग्जामिन द फॉलोइंग नंबर्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय 11। अब देखिए 11 से नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा वो हमें एग्जामिन करना है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का 2 रूल है, दोनों ही रूल्स में आपको समझा दे रही हूँ। तो फर्स्ट रूल में हम क्या समझते हैं, पहले हम राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड्स में ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे, ऑड प्लेस हमारा क्या होता है, 1 3 5 या और नंबर्स होते हैं। ऑड प्लेसेस मीन्स 1 यानी फर्स्ट नंबर पे, तो देखिए ये 1, ये हमारा ऑड नंबर हो गया 8, ठीक है। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, तो देखिए 1 के बाद ये 2, 2 तो इवन होता है, 2 के बाद 3 यानी कि 4 हमारा ऑड हो गया। इसी तरह ये 3 नंबर पे था, 4 इवन नंबर, 5 ऑड, तो ये 1 ऑड नंबर पे हो गया। दैट मीन्स पहले हम ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे 8 + 4 + 1, क्लियर। उसके बाद इवन प्लेस ऐड करेंगे तो इवन में हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 इवन प्लेस है। क्यों इवन है, क्योंकि देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 2, इवन हो गया, 3 4 यानी कि 4th प्लेस इवन होता है, तो ये 0 है 4 में, तो ये हमारा ये भी इवन है, यानी कि 2 को एंड 0 को ऐड करेंगे इवन प्लेस में। देन दोनों का के ऐड का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद उसे हम 11 से
डिवाइड करेंगे, यदि वो 11 की टेबल से डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स वो 11 से डिविजिबल है। एंड इसका दूसरा ट्रिक है कि राइट हैंड साइड से आप टू टू डिजिट्स का सम अलग अलग कीजिए ग्रुप बना के। जैसे देखिए राइट हैंड साइड है टू टू डिजिट का, 1 2, ये सेकेंड टू डिजिट हुआ, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। एंड इन सबको ऊपर नीचे आप ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए किसी भी तरह से, है ना। टू टू डिजिट को हमें ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 11 से डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो चलिए दोनों ही ट्रिक से इसे बनाकर देखते हैं। तो पहले फर्स्ट ट्रिक को देख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे सम ऑफ गिवन नंबर एट ऑड प्लेसेस, ठीक है। ऑड प्लेसेस पे का हम सम कर लेंगे। तो ऑड प्लेसेस में क्या है, ऑड प्लेस में देखिए 1, ये 3 एंड ये 5, दैट मीन्स 8 + 4 + 1, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8, 9, 13 इक्वल टू लिख लेंगे हम 13, ठीक है। नाउ सम ऑफ गिवन नंबर एट इवन प्लेसेस, अब इवन प्लेसेस में ऐड करेंगे। तो इवन प्लेस में हमारा 2 एंड 0 है तो लिखेंगे 2 + 0 इज इक्वल टू 2। नाउ इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 - 2 इज इक्वल टू 11। अब ये 11 क्या है, 11 से डिविजिबल है तो लिख सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। देयरफॉर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इज द आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रिक था। सेकेंड ट्रिक में हमने क्या सीखा, सेकेंड ट्रिक में राइट हैंड साइड से टू टू नंबर को ग्रुपिंग करेंगे। तो देखिए 28 फिर 2 नंबर, अब ये 1 बच गया, ठीक है। तब इसे हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो जैसे 28 लिख लिया, देन ये 04 सेकेंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में ओनली 1 है, 1 लिख लिया। अब इसे ऐड कर लेंगे तो 8 + 4 + 1 कितना होता है, 13, 13 का 3 प्लस करना है, कैरी 1, 1 + 2 इज 3। तो देखिए 33, अब ये 33 हमारा 11 से डिवाइडेड है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 11 × 3 = 33, दैट मीन्स ये नंबर 11 से डिवाइडेड है। तो सेकेंड ट्रिक में हम इस तरह से करेंगे, क्लियर। नाउ सब पार्ट टू इज, तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक से कर लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक में हमने क्या सीखा, पहले ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे। तो ऑड प्लेसेस में क्या क्या है, ये फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर यानी कि 1 1 डिजिट, ऑड प्लेस में हमारा हो जाएगा 3 + 8 + 8 के बाद 6 + देखिए ये ऑड है, ये ऑड है 3, 8 हमारा ऑड है, 6 ऑड है, ये 0 ऑड प्लेसेस में है, ठीक है। तो 3 + 8 + 6 + 0 इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 17। नाउ इवन प्लेस को ऐड करेंगे तो इवन प्लेस में 0 + 9 + 1 + 7 ये लिख लेंगे, 0 + 9 + 1 + 7। अब इसे ऐड करेंगे तो ये भी हमारा हो गया 17। नाउ डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस इज इक्वल टू 17 - 17 इज इक्वल टू 0, एंड ये 0 भी 11 से डिवाइडेड है तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं विच इज डिवाइडेड या डिविजिबल, कुछ भी लिख लीजिए, बाय 11। सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इज द आंसर, ठीक है। अब सेकेंड ट्रिक समझ लेते हैं। तो दो दो का ग्रुप बना लेंगे, टू टू डिजिट्स के ग्रुप ले लेंगे हम। तो ग्रुप में क्या आया, 03, नेक्स्ट है 98, उसके नीचे लिख लेते हैं 16 एंड लास्ट में 70। इन सबको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 8 + 3 + 6 = 17, 7 carry 1, 9 1 10, 7 17 and 1 18, तो 187। अब हम देखेंगे कि 187 11 से डिवाइडेड है या नहीं है, तो रफ में हम चेक कर लेंगे, है ना। 187 या रफ पार्ट कर रही, तो 187 11 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए 11 1 जार 11 डिवाइड सब्सट्रैक्ट किया तो आ गया 7, नाउ ये 7 11 7 जार 77, तो पूरा डिवाइड हो गया, दैट मीन्स 187 11 से पूरा डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो हम लिख सकते हैं इसे ऐसे भी, ऐड कर लीजिए, देन आप लिख लीजिए
therefore 187 divisible by 11, so equal to भी लिख सकते हैं आप, is equal to 17, so given number is divisible by 11, ठीक है। या आप इस पार्ट को ना भी लिखो तो भी काम चलेगा, आप रफ में डिवाइड करके चेक कर लो और सीधा लिख दो, है ना, रफ में चेक कर लिया हमने कि यस डिवाइड हो जा रहा है, अब सीधा हम लिख देंगे गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11, क्लियर। नाउ सब पार्ट थ्री देख लेते हैं, तो सबसे पहले सम ऑफ ऑड प्लेसेस कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस इज इक्वल टू, ऑड प्लेस में क्या हो जाएगा 5, है ना, 1, 2, 3, एक एक नंबर छोड़ के ऑड प्लेस, ऑड हम राइट हैंड साइड से हमेशा स्टार्ट करेंगे, तो 5 प्लस 9, तो लिख लेते हैं 5 प्लस 9 प्लस, अब 9 के बाद देखिए 3, 3 के बाद 7, तो 3 प्लस 7, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं इक्वल टू 24। नाउ सम ऑफ ऑड इवन प्लेसेस इज इक्वल टू, अब इवन में क्या है 8, 6 एंड 1, तो 8 प्लस 6 प्लस 1, अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो गया 8, 6, 14 प्लस 1 इज 15। नाउ डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू 24 माइनस 15 इज इक्वल टू, तो 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, है ना, एंड 9 हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 9, देयरफॉर गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11 इज द आंसर। आप यहाँ 9 के बाद लिख लो विच, तो क्लियर हो जाएगा ना, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। नाउ क्वेश्चन 5 इज एग्जामिन द फॉलोइंग नंबर्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक है, अब चेक करना है कि 6 से गिवन नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं या नहीं डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो 6 के लिए रूल है, अगर कोई नंबर जो गिवन नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है और साथ में 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है एंड 3 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, तभी वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा। मान लीजिए कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, देन वो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा है तो भी वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए 6 के लिए कंडीशन क्या हमारा है कि नंबर 2 से भी होना चाहिए डिवाइड एंड 3 से भी होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से होगा। फर्स्ट एग्जाम क्वेश्चन को ले लीजिए, देखिए फर्स्ट में लास्ट डिजिट 3 है जो कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, जब 2 से नहीं होगा तो पहले ही क्लियर हो गया कि ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो हम लिख लेंगे गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6 बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्लियर। नाउ सब पार्ट 2 इज 217944, अब देखिए लास्ट डिजिट 4 है जो कि इवन है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 2 का लिख लेते हैं, लास्ट डिजिट इज अ इवन सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, तो 2 का तो चेक हो गया, अब 3 से चेक करेंगे तो 3 के लिए क्या रूल है, डिजिट्स को ऐड करेंगे। नाउ 2 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, 2 प्लस 1 7 9 4 एंड 4, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो गया 27, और 27 3 से डिवाइड है, तो सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अब देखिए 2 से भी डिवाइड है एंड 3 से भी डिवाइड हो रहा है, हेंस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 × 3 = 6 इज द आंसर। आप 2 × 3 चाहो तो ना भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट 6 लिख दो, क्योंकि हमें सिर्फ 6 ही लिखा है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। नाउ सब पार्ट 3 इज
लास्ट डिजिट 6 विच इज इवन, तो इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, तो हम लिख लेंगे लास्ट डिजिट इज इवन विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट इज, अब सम ऑफ डिजिट क्या है इसे ऐड कर लेते हैं यहीं पे, 5 + 0 + 3 + 4 + 1 + 2 + 6, इसको यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, तो देखिए 5 + 3 = 8, 8 + 2 = 10 एंड यहाँ 6 + 4 = 10, 10 = 20 एंड ये 121, तो सम ऑफ डिजिट इज 21 विच इज डिविजिबल बाय 3, तो देखिए 3 से भी डिविजिबल है एंड 2 से भी डिविजिबल है, हेंस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6, क्लियर। नाउ सब पार्ट 4 इज लास्ट डिजिट इज इवन, सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो लास्ट डिजिट इज इवन, सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इवन। सो इसी तरह से सम ऑफ डिजिट्स इज, तो सम कितना हो जाता है, 9 + 1 = 10, 3 = 13, 13 + 5 = 18, 18 + 2 = 20, तो सम ऑफ डिजिट इज 20 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, हेंस गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। नाउ सपार्ट 5 6 3 9 2 1 0, तो लिख लेंगे लास्ट डिजिट इज इवन, तो या विच इज कुछ भी लिख लीजिए, डिविजिबल बाय 2 एंड सम ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं एंड सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट क्या है, 6 3 9 9 9 18 18 + 2 20 20 + 1 21 एंड ये प्लस में 0 तो 21 ही हुआ, तो सम ऑफ डिजिट्स इज 21 विच इज डिविजिबल बाय 3। अब देखिए 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स कि गिवन नंबर 6 से डिविजिबल है, तो लिख लेंगे हम हेंस गिवन नंबर 6 3 9 2 1 0 इज डिविजिबल बाय 6। नाउ सब पार्ट 6 इज 1 7 9 0 1 8 4, ठीक है। तो लास्ट डिजिट is even which is divisible by 2 and sum of digits, तो sum of digits क्या है, इन सबको add कर लेंगे, तो 1 + 7 sorry 1 + 7 8 8 + 1 9 9 9 18 18 and 8 26 26 + 4 is 30, तो sum of digits is 30 एंड ये 3 से डिविजिबल है, तो लिख लेंगे विच इज डिविजिबल बाय 3, तो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, देयरफोर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इज द आंसर। नाउ